नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डी टू रीड पब्लिकेशन। तो दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो DSSSB के द्वारा दिल्ली के अंदर न्यू टीचर की रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके बारे में। आप सभी के ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं कि सर, दिल्ली के अंदर जो है टीचर की न्यू रिक्रूटमेंट कब से आएंगी। देखिए, कुछ एक DSSB की अभी फ़िलहाल रिक्रूटमेंट भी चल रही है। PRT के लिए अभी अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, जबकि एक पोस्ट का तो रिजल्ट 2 दिन पहले आया, जिसको लेकर मैंने वीडियो भी अपने चैनल पर डाली थी। तो PRT के 3 एग्ज़ाम हुए थे, तीनों एग्ज़ाम जो है DSSSB ने लिए थे, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। उन तीनों के एग्ज़ाम आ चुके हैं, ई डोजियर जो हम कहते हैं वो फिल कर चुके हैं, तो फाइनल कट ऑफ कभी भी उनकी जारी हो सकती है। और रही बात न्यू रिक्रूटमेंट की, इस वीडियो में वही बताऊंगा। और TGT की भी हमारी कुछ एक रिक्रूटमेंट DSSSB की चल रही है। तो अगर आप दिल्ली के अंदर टीचर की जो जॉब करना चाहते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपके लिए कुछ न कुछ से जो हेल्पफुल है वो रहने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कल के जो न्यूज़पेपर में है वो एक ऐसी न्यूज़ आ रही है कि मंजूरी दे दी गई है दिल्ली में 10,591 शिक्षकों की भर्ती को। देखिए, जो ये 10,591 मैं बता रहा हूँ नई भर्ती आएगी दिल्ली के अंदर, ये जो अभी रिक्रूटमेंट चल रही है उनसे अलग है। तो ये तो टेंशन आप लीजिए ही मत कि जो अभी चल रही है इसमें वो तो इंक्लूड नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। इसमें ये न्यू रिक्रूटमेंट आएंगी और किस किस पद के लिए आएंगे, क्या PRT के लिए आएंगी सारी या TGT के लिए या PGT के लिए, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, DSSSB की कुछ एक भर्तियों पर जो कोर्ट केस है वहाँ पर कोर्ट में जवाब देते हुए जो है दिल्ली सरकार ने ये हलफनामा या एक नोटिस जो है कोर्ट में पेश किया, जिसके अनुसार दिल्ली सरकार ने खाली पदों को भरने के लिए आग्रह भेज दिया। ये भर्तियाँ स्कूलों में पहले से चल रही 15,000 नियुक्तियों से अलग होंगी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए जल्द 10,591 नियमित शिक्षकों की भर्तियां शुरू होंगी। सरकार ने इसके लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जिसको मैं DSSSB के नाम से बोल रहा हूँ, उसको आग्रह भेज दिया है। इसका खुलासा सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में किया गया। जैसा मैं आपको बता रहा था कि सरकार ने एक एफिडेविट किए नोटिस किए कोर्ट में दिया, उसके हिसाब से मैं इन चीज़ों का पता चला है। तो ये जेन्युइन न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, किसी प्रकार से कोई फेक या अनरियल न्यूज़ आपको नहीं दे रहा हूँ, ओरिजिनल न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। ये भर्तियाँ सरकारी और नगर निगमों के स्कूलों के लिए चल रही 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति से अलग हैं, जो MCD की अलग हैं, DSSSB की अलग हैं, सरकारी स्कूल जो हम SSC भी कह देते हैं या फिर KVS कह देते हैं, तो उनसे अलग ये भर्तियां हैं हमारी। और जस्टिस विनोद गोयल के समक्ष सरकार की ओर से शिक्षा निदेशक विनय भूषण ने हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने बताया कि 10,591 नियमित शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा निदेशक ने NGO सोशल जूरिस्ट की अवमानना याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया है। संगठन की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि अदालत से DSSB को 1 सप्ताह में ज्ञापन जारी करने का आदेश देने की अपील की है। तो विद इन 1 वीक, तो 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली हैं दिल्ली के अंदर टीचर्स की, उनका जो है एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाएगी, नोटिस वेबसाइट पर ऑफिशियली जारी कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, जैसे ही नोटिस आता मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम रोज़ कोई ना कोई जॉब और जॉब से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहते, चाहे वह SSSC से हो, चाहे SSC से, DSSSB से हो, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।